अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये लेक्चर आपको डिलीवर किया जा रहा है द इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम समानी की तरफ से। प्यारे बच्चों, आज हमारा वर्क क्या है, कैपिटल लेटर ए टू जेड। आपने मेरे साथ लिखना स्टार्ट करना है, जैसे जैसे मैं लिखूंगी प्यारे बच्चों आपने भी वैसे ही लिखना है। अपनी पेंसिल और नोटबुक ओपन करें, पेंसिल को पकड़ें और अच्छी सी ग्रिप रखनी है। स्काई लाइन से आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए वर्ड, ऊपर तीन लाइन जो होती हैं वो स्काई लाइन होती हैं और कैपिटल सारे स्काई लाइन पे आते हैं। लिखिए मेरे साथ ए, ए, ए के बाद क्या आएगा, बी, बी के लिए आप स्काई लाइन पे ऐसे मेरे साथ वर्ण डालें। देखिए मैंने जैसे डाला इसको फर्स्ट लाइन से गोल करें, बी 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 के बाद लिखें सी, क्या लिखा मैंने सी वर्ड, क्या लिखा है सी, सी के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों डी, क्या लिखेंगे हम डी। स्काई लाइन पे आप वर्ण डालें, यहां से आपने इसको गोल कर देना, ज्यादा खुला नहीं करना, डी, क्या लिखा मैंने डी। मेरे साथ रीडिंग करें ए बी सी डी, सी कौन सा वर्ड है, इनमें से सी ढूंढे कौन सा है, ये सी है, ये क्या है सी वर्ड। डी के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, ई, क्या वर्ड आता है ई, ई के लिए हम लिखेंगे स्काई लाइन पे वर्ण डालें और लाइन्स के ऊपर लाइन लगानी है हमें, ई ई ई के बाद लिखेंगे एफ, स्काई लाइन पे वर्ण डालें लाइन के ऊपर ऐसे लाइन लगाएं, एफ ई एफ, एफ के बाद लिखेंगे जी, जी बनाने के लिए सबसे पहले सी बनाएं, ऐसे स्काई लाइन पे सी बनाएं, यहां से आपने ऊपर लाइन लेके जानी है और लाइन के ऊपर लाइन लगानी है जी। जी के बाद क्या लिखेंगे हम एच, क्या लिखेंगे एच, एच के लिए आप स्काई लाइन पे वर्ण डालें, इसी तरह थोड़ा सा आगे करके एक और वर्ण डालें और लाइन के ऊपर लाइन लगा दें एच, क्या लिखा मैंने ई एफ जी एच। देखिए इनमें से ई ढूंढे कौन सा वर्ड ई है, तो ये क्या वर्ड है ई, क्या लिखा मैंने ई, ई एफ जी एच, एच के बाद क्या आएगा आई, क्या आएगा आई, आई के लिए आपने स्काई लाइन पे वर्ण डालना है सीधा और ऊपर वाली लाइन पे एक लाइन लगानी है, जितनी ऊपर लाइन लगाई उतनी ही नीचे लाइन जानी चाहिए आई, आई के बाद क्या लिखेंगे हम जे, जे के लिए आप सीधा स्काई लाइन पे वर्ण डालें, यहाँ से ज्यादा बोल खुला नहीं बोल देना, जे लाइन के ऊपर आप लगाएंगे लाइन जे, क्या लिखा मैंने जे, जे के बाद क्या आएगा के लिए आप वर्ण डालें सीधा स्काई लाइन पे और इसको देखें यहाँ पे डार्ट डाले अपने मैंने, इसी तरह आपने अपने नोटबुक पे डार्ट डालने, यहाँ से आपने इसको इधर मैच करना है, इसको इधर ले जाना है, क्या बन गया हमारा के, क्या लिखा मैंने के, आई जे के के बाद क्या आएगा एल, एल के लिए आप स्काई लाइन पे वन डालें, लाइन के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेके जानी है एल, क्या लिखा मैंने एल, आई जे, ये क्या वर्ड है जे के एल। अब मुझे बताएं इनमें से मैंने जे कौन सा बताया था आपको, ये वर्ड क्या है जे, आई जे के एल, एल के बाद क्या आएगा एम, एम के लिए आपने स्काई लाइन पे वर्ण डालें, ज्यादा खुला नहीं करना आपने, बिल्कुल सीधी लाइन इधर नीचे लेके आए, इसी को ऊपर लेके जाएं और फिर दोबारा नीचे लेके आए, एम, क्या लिखा मैंने
नीचे ले आए तो क्या बन गया एन, एम एन, एन के बाद क्या आएगा ओ, क्या लिखे गया हम ओ, ओ को ज्यादा खुला नहीं करना हमें, ओ स्काई लाइन पे ही ओ बिल्कुल ओ, ओ के बाद क्या आता है पी, क्या आएगा पी, पी के लिए स्काई लाइन पे बन रहा है, यहाँ से बहुत प्यारा करके आपने गोल करना प्यारे बच्चों, दबा के पेंसिल को दबा के बाहर पी एम एन ओ पी, क्या यह वर्ड है पी, ये देखिए ये क्या वर्ड है पी, पी के बाद क्या आएगा क्यू, क्यू के लिए जैसे मैंने ये ओ बनाया ना वैसे ही आपने यहाँ पे ओ बनाना है, पहले क्यू बनाने के लिए ऐसे यहाँ से छोटी सी लाइन के ऊपर लाइन यहाँ पे लगा, लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए आपने, क्यू, क्यू के बाद क्या आएगा आर, आर के लिए भी आपने स्काई पे वन डालना है, जैसे ये पी बनाएंगे देखिए इसी तरह आपने पी पहले बनाना है आर के लिए, और इस लाइन को इस तरफ लेके जाना है, इधर नहीं आना आपने, इस लाइन को यहाँ पे लेके जाना, क्या बन गया आर, क्या बन गया आर, आर के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों एस, एस के लिए आप पहले क्या बनाएंगे ऊपर वाले लाइन पे सी बनाया, इसी को उल्टा कर दें तो क्या बन गया एस, एस के बाद क्या आएगा टी, टी के लिए आप स्काई लाइन पे ऐसे लाइन लगाए सीधी सीधा बन रहे हैं टी, टी के बाद क्या आएगा यू, स्काई लाइन पे सीधा बनना है गोल करके यू, क्या वर्ड लिखा मैंने यू, यू के बाद क्या आएगा वी, वी के लिए आपने सीधा स्काई लाइन पे इधर लिखना है लाइन को और फिर यहाँ से ऊपर बिल्कुल सीधे, क्या बन गया वी, वी के बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों यू वी, आगे क्या आएगा डब्ल्यू, स्काई लाइन पे सीधा बनना है, खुला नहीं करना जी, ऊपर लेके जाए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों एक्स, क्या आएगा एक्स, स्काई लाइन पे हम एक लाइन को इस तरफ लेके आएंगे दूसरी लाइन को उस तरफ ले जाएंगे, क्या बन गया हमारा एक्स, क्या बन गया एक्स, क्या लिखा मैंने एक्स, ये क्या लिखा मैंने यू, ये देखें ये क्या वर्ड है यू, यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स के बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों वाई, क्या आएगा वाई, जैसे हमने एक्स की फर्स्ट लाइन लगाई थी वैसे ही लाइन लगाएं और यहाँ से इस तरफ आगे क्या बन गया वाई, वाई के बाद क्या लिखेंगे हम जेड, लाइन के ऊपर लाइन लगाई देखें बिल्कुल उसके इस तरफ आ जाए यहाँ लाइन के ऊपर लाइन लगा दें, क्या बन गया जेड, क्या लिखे हमने जेड, ये देखें ये भी जेड है, अब मेरे साथ आप लोग रीडिंग करेंगे, पढ़े मेरे साथ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड को जी भी पढ़ते हैं जी, अच्छा आपने यही आपका होमवर्क है, आपने यही होमवर्क भी करना है, थैंक यू सो मच।